नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुके हैं। इस कड़ी में नगर की सरकार के लिए इस बार सीधा मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनेंगे। तीन चरणों में होने वाले नगर परिषद का चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण जिला में आगामी 10 अक्टूबर को मतदान और 12 अक्टूबर को मतगणना होगी, जहां रामनगर नगर परिषद के वार्ड पार्षद प्रत्याशी अंकित राम वार्ड नंबर 23 से है, जो सामाजिक कर्मठ सुयोगी उम्मीदवार हैं। इनका लक्ष्य यह है कि अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान करना एवं अपने वार्ड के विकास की पथ पर ले जाना। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके वार्ड में शिक्षा, नाला, सड़क तथा पेयजल की समस्या। इनका प्राथमिक कार्य यह है कि इनसे उभर रही सभी समस्याओं का समाधान करना। इनके विकास की बातें सुनते हैं इनकी जुबानी। करने कर आ रहा है वो माता श्री आ रही है, देखिए कैसे वो आ रही है, अपना कपड़ा उठा कर कैसे चल रही है, देखिए उधर ध्यान दीजिए, कोई इधर से उधर नहीं जाने वाला है, उधर से इधर नहीं आने वाला है। इसी लक्ष्य से मैं आया हूँ कि मैं आखिर जीत जाऊंगा तो अपने वार्ड का इसको संभाल कर बढ़िया से सुरक्षित बना हुआ, लोग इधर से उधर आ सके। यहाँ पर चापा कल नहीं है, पानी के लिए कोई राह ही जो है, पानी के लिए तरसता है, पानी पीने के लिए चौक पर जाता है, होटल में होटल वाला किली निकाल कर रख देता है सर, किसी तरह पानी पीता है सर, कहीं कहीं मिठाई खाता है तब पानी पीता है, ऐसे पानी भी देने वाला नहीं है कोई यहाँ पर। इसी लक्ष्य से मैं आया हूँ कि जगह जगह चापा कल हलवा सकूँ, रोड बनवा सकूँ, नाली बनवा सकूँ, टूटा फूटा बनवा सकूँ, इसको सफाई करवा सकूँ, यही मेरा लक्ष्य है। नल जल योजना का लाभ आपको मिला है कि नहीं? नगर परिषद से जो नल जल योजना पे का 5 सालों से काम चल रहा है, वो लाभ आप तक पहुंचा कि नहीं? अभी हमारे तक कभी नल जल वाला कभी अभी नहीं किया है, पूछूं नहीं आया है कि यहाँ नल जल है कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं कुछ नहीं है यहाँ पर। नल जल योजना के तहत नगर परिषद भी बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत सारे वार्ड में उसका काम भी हो रहा है, कहीं कहीं पानी भी आ रहा है, लेकिन आपके वार्ड में अगर नहीं आया तो आप लोगों ने या आपके वार्ड परिषद ने कभी नगर पंचायत से या नगर परिषद से पूछा कि क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो वार्ड वाला है ही नहीं है कि पूछेगा, कोई काम ही नहीं किया है कि नल जल कहाँ से लाएगा, वो नल जल तो अभी अहिले ने हम लोग नल जल का सुने इस वार्ड में, उस वार्ड हम लोग तो देखे अहिले नहीं है। वार्ड वाला कबाड़ की दुकान खोल दिए हैं, वहीं पे रहते हैं, हम लोग जाते हैं तो भाग जाते हैं। क्या करते हैं? पहले वाला वार्ड थे ना, जो उनका कबाड़ का दुकान है, हम लोग जाते हैं काम कराने के लिए तो भाग जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो ये पहले के जो वार्ड थे उनसे ये लोग खुश नहीं है, और अरविंद जी ये इस मोटिव को लेकर के आए हैं कि जो पहले के वार्ड के द्वारा काम नहीं हुआ है, हम यहाँ के वार्ड के लोगों का सेवक बन करके काम करूँ। थैंक यू जी सर, यही थैंक यू। नाम क्या भाई? सुरेश कुमार। आप किस वार्ड से रहते हैं? 23 नंबर। अच्छा, जो नया वार्ड नंबर 23 बना उससे आप बिलोंग करते हैं, उसमें आप लड़ रहे हैं जी। पुराने वार्ड काउंसलर के बारे में और नए जो अभी लड़ रहे हैं अर्जुन कुमार राम जी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्यों अर्जुन कुमार राम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो पुराने वाले वार्ड है ना, वो कोई काम नहीं किए, सब काम इधर बाकी है, सब किसी को यही नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास शौचालय का नहीं मिला है, तो सब लोग उनसे नाराज हैं वो वार्ड से। अभी चाचा जो है मेरे, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा ही है। आपके ये सगे चाचा हैं? अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है कि ये काम करेंगे कि ये भी जीत जाने के बाद वैसे ही काम नहीं करेंगे? विश्वास है, काम करेंगे बहुत।